रणथंभौर में हम दाखिल हो चुके हैं। हेरिटेज है ये ना, यही ब्यूटी है इसकी, इसकी ब्यूटी यही है। जिसने रणथंभौर नहीं देखा उसने इंडिया नहीं देखा। इंटर आया तो यही देखना, देख के गया वो। अच्छा, दुनिया की जितनी, आप सोचो बिल क्लिंटन इंडिया आया तो उसने ख्वाहिश जाहिर क्या की, ताजमहल देखना है और रणथंभौर जाना है। दो चीजें इम्पोर्टेंट, दो ही जगह, ताजमहल और रणथंभौर। तभी मैं यहाँ पे आया था, उसका हेलीपैड अभी भी ताजा था, उसके लिए बनाया था, इसलिए मुझे वो ज्यादा। सब वेकेशन यही मनाते हैं। अच्छा, सही बात बेटा, बंदर के साथ खेलना है आपको? ये तो बहुत खेला है, यहीं का है ना? अच्छा, यहीं का है, मलिक साहब का सीन। रणथंभौर किले में हम जा रहे हैं, ये वही रास्ता है। ये रणथंभौर का किला यहाँ से शुरू होता है। ये है मलिक साहब, यही हमारे आज गाइड है, यही रणथंभौर का हमको स्पॉट दिखा रहा है। ये सात दरवाजों में से ये तीसरा दरवाजा है। दुश्मन का जब हमला होता था तो सिपाही अपनी रक्षा के लिए यहाँ से नीचे हमला करते थे। ये किला सवाई माधोपुर से 10 किलोमीटर दूर स्थापित है। यहाँ पर राजा हमीर जो 1282 ईस्वी से लेकर 1301 तक उन्होंने यहाँ पर अपनी हुकूमत की थी, उस दौरे हुकूमत में अपनी साम्राज्य को मजबूत बनाने के लिए रणथंभौर किले का उन्होंने निर्माण करवाया था। और इस किले पर 1301 ईस्वी के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। उसके बाद 1509 से और 1527 तक इस पर अलाउद्दीन खिलजी का राज रहा। फिर इसके बाद ये मुगलों के सानिध्य में चला गया। इस किले की पूरी हिफाजत के लिए इसमें करीब 7 दरवाजे, जिसमें नौलोखा, हथिया पोल, गणेश पोल, अंधेरी पोल, सत पोल, सूरज पोल और दिल्ली पोल, इसके अंदर बनाए गए, जिससे विभिन्न प्रकार की फौजों से रक्षा की जा सके। ये पोल इस तरह से बनाए गए कि इसमें आसानी से हाथियों का प्रवेश हो सके, और हाथियों से रक्षा भी कैसे की जा सकती है वो भी इस किले का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। आज इस किले की दूर दूर तक प्रसिद्धि है और इसको देखने के लिए लाखों लोग प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। इसके अलावा ऊपर दरगाह भी मौजूद है, बाबा सदरुद्दीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह ऊपर है। अभी हम खड़े हैं रणथंभौर किले के अंदर मौजूद पदम तालाब पर। इस तालाब से जुड़ी हुई एक वाकया है कि जब अलाउद्दीन खिलजी की फौज ने यहाँ पर हमला किया था तो यहाँ के राजा हमीर के महल में जो रानियाँ थीं उन्होंने इस तालाब में कूदकर अपनी जौहर किया था, अपनी जानें दी थीं। उसके बाद यहाँ पर इस किले के चारों तरफ अतराफ में और इसके अंदर बहुत सारे बुजुर्गान दीन मौजूद रहे। यहाँ पर बाबा सदरुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। इसके अलावा मामू भांजे के नाम से यहाँ पर एक बड़े दरवेश की दरगाह यहाँ पर मौजूद है, जिसमें हर साल उर्स भी लगाया जाता है।